आज से करीब 3 महीने पहले लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में एक गैंगवॉर हुए थे। उस गैंगवॉर में कुख्यात गैंगस्टर जो मुख्तार अंसारी गैंग से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम था संदीप माहेश्वरी उर्फ संदीप जीवा, उसे एक शूटर ने कोर्ट के अंदर वकील के वेशभूषा में पहुंचा था और बहुत ही बेरहमी से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आज इस मामले में यूपी पुलिस ने 600 पेज की चार्जशीट अब कोर्ट में दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। पहले जो कई तरह की बातें इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अब जो चार्जशीट में पुलिस की बातें कही गई हैं उसे अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू का नाम सामने आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा के मारे जाने के बाद बदन सिंह बद्दू का नाम जो निकल कर सामने आ रहा है, या फिर ये कहें कि इस पूरे गैंगवॉर की असली कहानी क्या थी, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। दरअसल लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में जून के महीने के दौरान यूपी के कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी, जिसका नाम जीवा भी था, मुख्तार अंसारी का शूटर था, उसे हत्या के मामले में पुलिस अब 600 पेज का जो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस की ओर से इसमें दावा किया गया है कि यह हत्या कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू ने करवाई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के कुख्यात अपराधी सुशील सिंह मोच भी इस हत्याकांड में बदन सिंह बद्दू के साथ शामिल था। चार्जशीट के मुताबिक बद्दू की तरफ से असलब के जरिए शूटर आनंद यादव को 50 लाख रुपए की सुपारी का लालच दिया गया था। वेस्ट यूपी के बदन सिंह बद्दू जो कुख्यात गैंगस्टर है, 2019 में वो फरार हुआ था, उसके ऊपर इनाम की रकम बढ़ाकर अब यूपी सरकार ने 5 लाख रुपए की कर दी है। संदीप जीवा के परिवार के लोग भी अब बदन सिंह बद्दू से जीवा की दुश्मनी की बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि बदन सिंह भी पूर्व में कई बार जीवा की हत्या करने की कोशिशें कर चुका था। जून के महीने के दौरान यूपी के लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या जब हुई, उसके बाद पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई थी। इस हत्याकांड की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में जब मैंने जैसा जिक्र किया, 7 जून को पेशी पर कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को लाया गया था और उसी वक्त वो मारा गया था। जीवा जिस तरह से कई मामलों में वांछित में रह चुका था, उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। जब जीवा मारा गया था उस वक्त आनंद यादव ने 9 mm के पिस्टल से उसके ऊपर हमला किया था और इस हमले में जीवा की तो वहीं पर मौत हुई थी, लेकिन इस दौरान आपको याद होगा कि जब फायरिंग हुई थी तो वहां पर एक बच्ची और उसकी माँ और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के बाद जब हमलावर वहाँ से भागने की कोशिशें कर रहा था तो वकीलों ने पहले उसे पकड़ा और फिर जमकर पीटा। बाद में पुलिस ने किसी तरह से हमलावर को वकीलों के कब्जे से छुड़ाया और अब इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की तरफ से जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई तो अब कई बड़े खुलासे हुए कि शूटर विजय यादव ने उस चार्जशीट में ये लिखवाया है कि असलम के जरिए उसके नेपाल में गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू से मुलाकात हुई थी। ऐसी मुलाकात के दौरान गैंगस्टर बद्दू ने उसे कहा था कि जीवा ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और उसके कई आदमियों को जीवा ने मार डाला है, अगर वो जिंदा रहा तो फ्यूचर में भी बदन सिंह बद्दू के लिए वो बड़ा खतरा रहेगा और इसीलिए जीवा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जीवा का नाम 2005 में हुए बहुचर्चित यूपी के कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था और इस घटना के बाद क्राइम की दुनिया में जीवा का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था। पश्चिमी यूपी में उसकी तूती बोलने लगी थी, जिससे कि बद्दू को लगातार खतरा महसूस होने लगा था। पश्चिमी यूपी में जब जीवा का वर्चस्व बढ़ने लगा, बद्दू और जीवा के बीच तनातनी बढ़ने लगी। चार्जशीट में यह भी लिखा गया है कि बद्दू शूटर को लखनऊ कोर्ट में जीवा की हत्या करने की उस वक्त जब सलाह दे रहा था तो बद्दू का कहना था कि कोर्ट में हत्या करने के बाद वो भागेगा नहीं, उसे पकड़ लिया जाएगा और उससे उसकी जान बच जाएगी, कोई खतरा नहीं रहेगा। जीवा के लंबे समय से जेल में बंद होने की वजह से पेशी पर उसकी हत्या करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी बताया कि शूटर को अच्छे किस्म के पिस्टल बद्दू की तरफ से मुहैया करवाई गई थी और लखनऊ में उसी के आदमियों ने शूटर को पूरी जो सहायता थी वो पहुंचाई थी। उसके आदमियों की मदद से ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के चार्जशीट में देखा जाए तो और लिखा है कि मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश सुशील सिंह मोच का भी इसमें जिक्र किया गया है और आशंका जताई जा रही है कि इस अपराधी ने भी गैंगस्टर जीवा की हत्या में बद्दू की मदद की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों बदमाशों का गैंग अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इन दोनों गैंगों के बीच में कभी भी कोई तनातनी या फिर दुश्मनी की खबरें आज तक निकली नहीं।
कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो 2019 से फरार है। वो कई संगीन अपराधों को अंजाम दे चुका है और उसके खिलाफ देखा जाए तो करीब 47 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उसके विदेश से अपने गैंग को ऑपरेट करने की खबरें भी लगातार आती हैं। 2019 में 28 मार्च का दिन था जब उसे गाजियाबाद से पेशी पर लौटते समय बद्दो पुलिस कर्मियों को शराब पिलाया और वहां से फरार हुआ था। उसके बाद पुलिस की तमाम कोशिशें चल रही हैं, इसके बावजूद आज तक बदन सिंह बद्दो गिरफ्तार ही नहीं हो पाया। इसी बीच उस पर इनाम की रकम बढ़ाई गई है, वो 5 लाख रुपये कर दी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जीवा का नाम भी 2005 में यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के दुश्मन थे और मुख्तार अंसारी भी आज तक इस केस में जब जब मुख्तार अंसारी का जिक्र होता है तब तब कृष्णानंद राय हत्याकांड भी निकल कर सामने आता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बदन सिंह बद्दो आखिर जो ये बातें पुलिस के चार्जशीट में कही गई हैं कि नेपाल में उसकी मुलाकात शूटर विजय यादव से हुई थी, तो आखिर बदन सिंह बद्दो नेपाल में छिपा है या फिर किसी और देश में छिपा हुआ है, और पुलिस आखिर इतने सालों से उसका तलाश कर रही है, बदन सिंह बद्दो आखिर कहाँ पर छिपा हुआ है, पुलिस को इसकी जानकारी अभी तक क्यों नहीं निकल पा रही है। वैसे गाहे बेगाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये खबरें आती हैं कि कभी मुनादी कराकर गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो की जो संपत्ति है उसकी कुर्की की जाती है, कभी कुछ किया जाता है कभी कुछ किया जाता है, लेकिन बदन सिंह बद्दो जो अगर हम उसे किसी हॉलीवुड का एक्टर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। उसके पहनने ओढ़ने का जो तरीका है तौर तरीका शायद कुछ उसी तरह से रहता है, अपने आप को बहुत ही स्टाइलिस्ट गैंगस्टर कहलाना उसे पसंद आता है। ये गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो अब पुलिस के हाथ कब चढ़ेगा, या फिर जो शूटर है विजय यादव जो अब पुलिस के चार्जशीट में पुलिस के पूछताछ में ये खुलासे कर चुका है कि बदन सिंह बद्दो इस हत्या के पीछे उसका हाथ था, तो क्या अब बदन सिंह बद्दो के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा, क्या उसे किस देश में इस वक्त छिपा हुआ है, इन सब की जानकारी अब यूपी की सरकार को मिल पाएगी, यूपी की पुलिस को मिल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में जब वो फरार हुआ था 2019 बीता और आज 2023 में चल रहे हैं, यानी इतने सालों तक पुलिस उसके सिर्फ तलाशी कर रही है और आज तक नहीं पकड़ पाई है, लेकिन इस केस के सामने आने के बाद अब ये बातें जानना या फिर सवाल उठना भी बेहद लाजमी है कि गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो क्या कभी पुलिस के हत्थे चढ़ भी पाएगा या फिर नहीं। अभी हमने देखा था एक यूपी पुलिस के पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने एक किताब अपनी लिखी थी और उस किताब का एक पोस्टर उसने बदन सिंह बद्दो ने काटकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उसमें उसने लिखा था जूते चाटने वाला ऑफिसर उससे बताया था उस पुलिस वाले को। हालांकि पुलिस उस दौरान भी बदन सिंह बद्दो की चर्चा कर रही थी और उसे खोजने के लिए तमाम तरह की बातें कही गई थी, लेकिन इस बात को भी एक साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन बदन सिंह बद्दो न जाने कहाँ पर छिपा हुआ है, पुलिस के लिए ऐसे टेढ़ी खीर बन चुका है कि अभी भी बदन सिंह बद्दो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। कहा तो ये जाता है कि बदन सिंह बद्दो पहले ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता था, लेकिन बाद में जब उसकी इच्छाएं और प्रबल हुई और उसने सोचा क्यों ना गलत तरीके से पैसा कमाकर एक तरह से अपराध की दुनिया में राज किया जाए, तो इस तरह से वो जुर्म की दुनिया में भी आया था, लेकिन आज वो यूपी पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो चुका है। यूपी पुलिस अभी तक बदन सिंह बद्दो किस देश में है ये तो बहुत दूर की बात है, ये नहीं पुलिस को पता है कि बदन सिंह बद्दो कहाँ आता है कब आता है और किस तरह से वो वारदात कर देता है। तो देखने आया होगा कि बदन सिंह बद्दो का नाम इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट में शामिल किया है, तो बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अब चर्चाएं भी बहुत तेज़ी से हो रही हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि गैंगस्टर संजीव जीवा जिसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में कर रहे हैं उसके खिलाफ जो उस मामले में 600 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इस केस में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वैसे देखना अहम होगा कि बदन सिंह बद्दो कब गिरफ्तार होता है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं खबरें हैं जो दबे राज हैं वो निकल कर सामने आ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर अपनी राय दीजिए। नमस्कार।